हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अयूर का टोनर। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाफ एंड हाफ का प्राइमर। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर। ये काफी अच्छा एक पिंक शाइन दे देता है फेस पर। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैट लुक का फाउंडेशन। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा गीला करके अप्लाई करना चाहिए। देन मैं फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। यहाँ पे मैं मिस गोल्ड पैलेट में से ले रही हूँ ये ब्राउन शेड अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ द फैशन फैक्ट्री का कंसीलर अपने आईब्रो के एजेस शार्प करने के लिए। उसे ब्रश से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। इससे काफी क्लीन लगती है आईब्रो। अब मैं सेम कंसीलर अपने फेस पर भी अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने फेस को सेट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर। देन मैं सेम पैलेट में से मिस गोल्ड पैलेट में से ले रही हूँ ये शिमर कलर और उसे अपने आईलिड पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ ये शिमर कलर और उसे अपने आईलिड के मिडल में अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ले रही हूँ ये पर्पल कलर और उसे अपने क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सेम शिमर कलर जो सबसे पहले अप्लाई किया था उसे से मैं अपने क्रीज लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ताकि क्रीज लाइन शार्प लगे। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ पर्पल कलर आधे में और आधे में अप्लाई कर रही हूँ शिमर कलर। उसके बाद वाटर लैश लाइन पे एंड अपर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ काजल ब्लू हेवन का एंड एलेटिन का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अब सेम पैलेट से ब्राउन कलर लेके मैं अपने फेस को कंटूर कर लूंगी। और हाइलाइटर के लिए लिया है मैट लुक का हाइलाइटर पैलेट और उससे मैं अपने फेस को अच्छे से हाइलाइट कर रही हूँ। देन सेम पैलेट में से मैं ले रही हूँ ये कलर अपने ब्लश के लिए।
अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मैट रेड लिपस्टिक। सो गाइज, ये है फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।